everyone. Today we have Daddu back with us on a very comfortable couch. Hi, Bolo Daddu. Hi. So today we're going to play a very very fun game which is inspired from the show Khul Ja Sim Sim. आपको शो के बारे में मालूम है? Khul Ja Sim Sim. Yes. मम्मी पापा गए थे ना? हाँ. Now if you're not a 90s kid, let me tell you how this works. So I'm going to show Daddu random things like say stationery or food items and Daddu has to tell me the price. कि वो आइटम का आज के तारीख में क्या प्राइस होगा. बट हम इसमें एक और ट्विस्ट ला रहे हैं कि जब आप 20 साल के थे, मतलब जब आप मेरी उम्र के थे, तभी वो आइटम कितने की मिलती थी वो हमारे साथ शेयर कीजिए, तो हमको भी कुछ जानने मिलेगा. आग बंद कीजिए और हाथ आगे कीजिए और आग बंद कर दो. ये है आपका पहला आइटम. गैस, मतलब सिर्फ छू के बताइए क्या होगा. बादाम एंड अखरोट. बराबर. अभी खोल सकते हो आप. अभी इसका क्या प्राइस होगा? मे बी अराउंड 500 to 600 रुपीस अ केजी. मम्मी क्या प्राइस है? 1500 रुपए पर केजी. और बादाम 1100 रुपए किलो. आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस. और आपके जब आप मेरी उम्र के थे तभी क्या प्राइस था? रियली स्पीकिंग एट दैट टाइम आल्सो आई वाज नॉट बाइंग दिस टाइप ऑफ फ्रूट. अच्छा. सो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द प्राइस. तो ये हो गया, अब खा लो. अब खाया सो ये नोटबुक. यस. अब ये नोटबुक का क्या प्राइस होगा? अभी नोटबुक का प्राइस होगा अभी 100 रुपीस. बट इसका एक्चुअल प्राइस है 500 रुपीस. ये नोटबुक का. बट यूजुअली एक्चुअली फैंसी नोटबुक्स 100-200 में आ जाते हैं, बट बिकॉज इस पे 3D इफेक्ट है ना, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है. वरना योर रेंज इज करेक्ट कि 100-200 तक अच्छे नोटबुक्स आ जाते हैं. सो हाउ मच वुड यू बाय अ नोटबुक फॉर जब आप कॉलेज में थे? आई वाज यूजिंग एन एक्सरसाइज बुक एट दैट टाइम. हां, नॉट अ डायरी. सो एक्सरसाइज बुक्स वर फॉर हाउ मच मनी एट दैट टाइम? एक्सरसाइज बुक 100 रुपीस अ डजन. 100 rupees a dozen. मतलब per book was less than 10 rupees at yes, that time. Yes, yes. Which is very good. आपका next item है ये laptop. At that time laptop was not available. No mobile, no computer, no laptop. Nothing was available. When did it come? Computer when I was say 50 years old. 50 years old? Yeah. Mobile was not there. Laptop was not there. Pagers थे तभी? Pagers came when I was around 55 years old. So what do you think a laptop like this would sell for अभी? Maybe 5,000 to 6,000 rupees. 60,000. 50,000. Oh, I'm not aware about this. Average price is a good. मतलब actually starting range of good laptops is 20-30,000. 20-30,000 में डीसेंट लैपटॉप मिल जाता है. वेरी वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए सालों साल चलाना पड़ता है. नेक्स्ट आइटम है एक चॉकलेट. सो व्हाट डू यू थिंक अ चॉकलेट लाइक दिस सेल्स फॉर राइट नाउ? सॉरी, पूरे रैपर फटा हुआ है क्योंकि हम मोस्ट ऑफ इट खा चुके हैं. हम मतलब मम्मी पापा. व्हेन आई वाज यंग एट दैट टाइम दीस टाइप ऑफ चॉकलेट्स वर नॉट अवेलेबल टू अस. वी वर यूजिंग द पेपरमेंट्स एंड एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स. So these type of chocolates were not available at that time. फिर डेरी मिल्क कभी आया था? When did dairy milk come in the Indian market? Dairy milk when I was around 50 to 55 years old. अच्छा, तो अभी कितने का मिलता होगा क्या लगता है ऐसा वाला चॉकलेट? ये चॉकलेट होगा अराउंड 20 रुपीस. सो आइडियली जो नॉर्मल वाला डेयरी मिल्क आता है ना, वो ये साइज का अप्रोक्स 20-25 में मिल जाता है. बट डेयरी मिल्क ने एक प्रीमियम वर्जन निकाला है, लाइक अ मोर सॉफ्ट एंड अ मोर बेटर वर्जन. तो बिकॉज इट इज दैट प्रीमियम वर्जन, दिस वन इज फॉर 70 रुपीज. बट अगर नॉर्मल डेयरी मिल्क होता ना, इट वुड बी फॉर 20-25. सो दद्दू को इसका प्राइस पता है. मे बी बिकॉज बचपन में मैंने जिद करा के बहुत चॉकलेट लिए दद्दू के पास से. अभी नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसके लिए आंख बंद कर दो और वापस मुझे हाथ आगे करके दो. हाँ, अभी फील करके बताओ क्या होगा. मेबी एप्पल, ओनियन
एंड टोमेटो. हाँ बराबर, हम कर सकते हो आप अभी. बराबर. अभी इन दोनों का पर केजी क्या प्राइस होगा? अराउंड 80 रुपीस पर केजी टोमेटो. हाँ. एंड अराउंड 20 रुपीस पर केजी अनियन. अनियन यस. मम्मी टमाटो है 50-60 के आसपास के. ओके, अभी थोड़ा भाव कम हो गया लगता है, 50-60 रुपीस पर केजी वे वी लिव. एंड अनियन का कितना है? अनियन इज परफेक्ट. सो द रीजन व्हाई माय दद्दू नोज दिस इज बिकॉज ही हेल्प्स अ लॉट विद द हाउसहोल्ड वर्क. लाइक उनको मतलब ही विल ब्रिंग बनानास, ही विल ब्रिंग द ग्रोसरीज, तो इसलिए पोटैटो, यस अनियन, यस, तो वो अपडेटेड है. तो जब आप मेरे एज के थे तब कितने का मिलता था? टोमेटो अराउंड 5-6 रुपीज अ केजी एंड ऑनियन वाज अराउंड 4-5 केजी. अभी नेक्स्ट एकदम अलग आइटम है आपका. नेक्स्ट आइटम है हेयर डाई. आप हेयर डाई लगाते थे? हाँ हेयर डाई लगाते थे, लेकिन नॉट दैट मच कॉस्टली. हाँ इट वाज 20 रुपीज अ पाउच ऑफ समथिंग लाइक दैट. एक्चुअली अभी गोदरेज या ऐसे और ब्रांड्स का मिलता है अभी 20-30 रुपीस में. ओह यस. पर व्हाट, हाउ मच डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ अ हेयर डाई वुड कॉस्ट? मेबी अराउंड 100 रुपीस. इस पे डब्बे पे ना प्राइस लिखा है एंड आई जस्ट सॉ इट, तो मैंने कवर कर लिया. नहीं लेकिन मैंने देखा नहीं प्राइस. 550. बट आई थिंक एक बॉक्स पापा के कितने वाले? So, एक बॉक्स मेरे डैड को 3 बार चल जाता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट हेयर. तो मतलब अगर हम इसको डिवाइड बाय 3 कर ले तो अप्रोक्सीमेटली 150-160 तक ही आता है. 10 रुपीस का पाउच आता था. 10 रुपीस का. नहीं अभी आई नो दैट सम ब्रांड्स डू सेल ऐसा इतना छोटा पाउच. yes, 30 रुपीस का आता है अभी भी. अभी आपका नेक्स्ट आइटम है ये बैग. yes. ये बैग पैक हाउ मच डू यू थिंक वन वुड सेल अ बैग लाइक दिस फॉर? Maybe around 800 rupees. That's actually a very very good guess because ideally backpacks ka range 800 ke aas pass hi hota hai. This particular backpack was from a mall, so that is why it's a little more expensive. Isko maine 2000 mein laya tha. Oh. But you can get it. You can get plain black big backpacks for 800. So Daddu is very well updated with this price. जब आप कॉलेज जाते थे तब आपने बैग लिया था नया? No, no. We were using very very simple bag. What price could you buy a bag for in your college? Around 40-50 rupees. Wow, I am sure अभी तो street shopping markets में भी इतना सस्ता बैग तो नहीं मिलता. Your next item is this comb. कंगी है ये. कंगी? हाँ. इसको ऐसे खोलते हैं और ये जो bristles है उससे बाल बनाते हैं. So how much do you think? This type of a kangi, you say? No, actually I'm not aware about this because I've seen this for the first time in my life. And this may be around 100 rupees, 250 rupees. The Daddu has been very good because normal kangi 10 rupees ka aaspaas ka mil jata hai. So Daddu ne 10 guna bhav badha ke bola ki barabar, because this is looking different, it might be 10 times more expensive, but this is actually for 1000 rupees. Oh! It's actually 100 times more expensive than a normal kangi, but this has been working very well for my long hair. क्योंकि मुझे इतने लंबे बाल है ना, तो नीचे जो knots हो जाते हैं ना, वो इससे निकल जाते हैं. I've been using the same comb since more than 2 years now. मैंने नया लिया नहीं है. तो वो मैं value for money use करने का try कर रही हूँ, but yeah, this is for 1000 rupees. For me, I've seen this type of kangi for the first time in my life. Now I have this pen for you. Yes. ये pen actually मेरा नहीं है, पापा का. This is the one that he likes to use all the time. So how much do you think this pen sells for? This may be around 30-40 rupees. Bang on. This is for 40 rupees exactly. And Daddu bhi pens ke काफी शौकीन है, to be honest, क्योंकि Daddu के pocket में हर बार एक pen होता ही है. So he knows the current market price of a pen. Because I remember कि मैं एग्जाम के लिए एक पेन यूज करती थी जो 60 रुपीज का आता है. एंड दद्दू ने मुझे पूछा कि इसका रिफिल कहाँ से लाती हूँ, हमने किसका रिफिल नहीं मिलता है, इसको रिफिल नहीं करा सकते. ही वॉज वेरी शॉक कि इतना महंगा पेन और अंदर रिफिल भी नहीं. तो वो एक पर्सन को ढूंढ के आया जो अंदर मुझे इंक भर के दे सकता था. ऑल्दो मैंने अभी तक भरवाई नहीं है, बट
He's very efficient with all these things. Yes. Rishi Ratna is there, yes. आप पेन कितने का मिलता था जब आप एग्जाम्स लिखने जाते थे स्कूल डेज या कॉलेज डेज? We were using pen for 5 to 10 rupees and which was very simple. हाँ. So we were at that time we were not using this type of pen and this type of grip gel pens were not available at that time. तो simple ball pen? Yes. Ball pen, ink pen. Ink pen, ink pens. That's what I'm thinking. कि 5 to 10 rupees में तो fancy pen मिलता होगा क्योंकि ball pen तो अभी भी 1-1 रुपए में मिलता है. तो it must be like those fancy ink pens जो अभी आराम से 50-100 के मिलते तभी सिर्फ 5 to 10 rupees के मिलते थे. अभी दो चीजें बाकी हैं रुकिए मैं लिख लाती हूँ. We are back. So the second last item is this bottle of perfume. Yes. 200 rupees. 50% there. This was for 390 rupees. Effectively 400. And who is average price hai aajkal? Matlab this bottle of perfume, if you pick up from the mall, so 350-400 is a good price. Otherwise, agar hum normal showroom se le like store, local store, so I think 200 rupees mein mil jata hai itna bottle of, but not exactly of perfume. Wo fir ya to deodorant hota hai, ya to koi mist jaisa hota hai. Yes. Pure perfumes are a little more expensive than that. But really speaking, I was not using any kind of this perfume when you were 20? Yes. Okay, next item I have to ask you about is milk. This type of milk packet was not available at... No problem. Per liter ka price aap guess kar lo. Per liter at that time, per liter milk was available. Good quality of milk. It was around 5 to 8 rupees per liter. Wow. Good quality. Wow. And fresh one. Today, good milk is available 7 to 80 rupees per liter. ये भेज जो ताज़ी दूध की नहीं. 70 to 80 rupees. 10 times से भी ज़्यादा price हो गया है. Wow. And I still believe कि वो time पे milk must be extremely good quality. Good quality, yes. And we have taken good quality of milk, and that is the reason that our organs are working perfectly. Next, I want to ask you about is shoes like this. ऐसे heel वाले shoes का आपको क्या लगता है कि क्या rate होगा अभी? अभी? हाँ. अभी इसका price होगा maybe around 2,000 to 2,500 rupees. How did you guess that? As per today's, because that's exactly how much I paid for these shoes, 2,400 rupees. Oh. Wow. नहीं मुझे जानना आपको कैसे होता है ये सारे shoes का. Actually, in our times, this type of shoes or sandals were not used by girls. Okay. Simple flat chappals and sandals. तो तभी a normal flat chappal how much would it cost at that point of time? I was using new chappals, Kolhapur market, new chappals, 20 to 25 rupees. अभी तो कोल्हापुर मार्केट जाते हैं तो सबसे सस्ती चीज वो सिंपल चप्पल्स भी 100 रुपए के नीचे नहीं आते. 100 रुपए नहीं अभी तो जा रहा है तो 200 रुपीस. And last item is very emotional because this item के वजह से मेरे mom dad actual ये game show में I think हारे थे. So let's see if Daddu knows the price for this or not. आपका लास्ट आइटम है पाउडर. 8,200 rupees. So you are very close. This is for 70 rupees, and I didn't know powder was this price. How much was it when you were? No, actually, these type of quality powders were not available at that time. Okay. Simple powders were available, and when I was young, we were staying in the city like Kolhapur. Yeah. So as compared to Kolhapur, Bombay items were available. True. But we were using very simple powders at that time. Maybe around 10-15 rupees. Wow. Because I knew ki powder is one thing jo pehle bhi use karte the. Isliye I thought of including this.
बट बहुत मजा आया मुझे तो, आपको मजा आया ये गेम खेलते हुए. सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ योर आइडियाज दैट पुट अप अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड आस्क्ड यू कि मुझे कैसे वीडियो शूट करने चाहिए अपने फैमिली के साथ, एंड दिस वाज योर आइडिया. सो थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस. बहुत मजा आया हम दोनों को ये वीडियो करने में. यस, मुझे भी बहुत मजा आया. एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन, गुड बाय. बाय, थैंक यू.